All right, traders, everyone, welcome. So, first of all, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और काफी टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे. अब फेस्टिवल चल रहा था, मैं भी बिजी इधर उधर, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया. और जैसे कि अनाउंस किया था, एक सेटअप, पटाखा सेटअप, ओके. तो उसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे. मोमेंटम सेटअप का पार्ट है, ओके. एक एक चीज को चार्ट पर ऑब्जर्व करेंगे, हवा में कोई बातें नहीं होंगी, ओके. प्रूफ करेंगे कहां पर सेटअप वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा, एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ओके. तो सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच. सुपर ट्रेंड का जो सेटअप है, जितने लोगों ने भी देखा है, सबको बहुत अच्छा लगा और सभी ने उसको सपोर्ट किया है, क्योंकि उसमें ट्रेंड को पकड़ पाएंगे अपने, ओके. ट्रेंड को राइड कर पाएंगे. तो जैसे कि ट्रेडर्स कम्युनिटी में सेटअप डिस्कस होते रहते हैं, ओके. बहुत सारे सेटअप्स हैं, मल्टीपल सेटअप्स हैं, और लाइव मार्केट में एक्टिव रहते हैं. तो एक सेटअप, सिर्फ एक सेटअप आज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा, ओके. जिसको मैं पटाखा सेटअप बोल रहा हूँ, और उसी को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे. तो वीडियो का मोटिव यही है कि उसको हम पूरा डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. तो हिंट देता हूँ, सेटअप में हम डिस्कशन करेंगे एडीएक्स डीएमआई का, ओके. प्राइस एक्शन रहेगा, एडीएक्स डीएमआई हमारा इंडिकेटर रहेगा, उसकी हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि मोमेंटम को कैसे पकड़ना है, ओके. तो पहले मैं, जैसे होता ना, पहले अपने प्रिपेयर करेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स क्या बता रहा है. जैसे होता है ना कि प्लस डीएमआई क्या बोल रहा है, माइनस डीएमआई क्या बोल रहा है, एडीएक्स क्या बोल रहा है, ओके. फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स होने के बाद हम पूरा एक सेटअप प्रिपेयर करेंगे, मतलब पूरा खाना बनाएंगे, ओके. कि सेटअप में कब क्या देखना है, कितने बजे देखना है, ओके. सब चीज ऑब्जर्व करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है. तो लाइक करते रहना और वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है एंड में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें निकल जाए. चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके, आई होप स्क्रीन विजिबल होगा. चलो सबसे पहले आएगा अपना, एक आएगा प्लस डीएमआई, ठीक है. एक आएगा आपका माइनस डीएमआई, ठीक है. और एक आएगा आपका एडीएक्स. ये तीन कंपोनेंट्स रहेंगे. प्लस डीएमआई को मैं ले जाऊंगा ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से ले जाऊंगा. माइनस डीएमआई को मैं ले जाऊंगा रेड कलर से, और एडीएक्स को मैं ले जाऊंगा व्हाइट कलर से, क्योंकि व्हाइट कलर इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं उसको ब्लैक कलर मार्क कर रहा हूं, ओके. ग्रीन कलर, रेड कलर, और जो एडीएक्स रहेगा आपका वो व्हाइट कलर से रहेगा. अगर अगर हो करना क्या है आपको, अगर ग्रीन ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे, मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि अगर प्लस डीएमआई ऊपर है और माइनस डीएमआई नीचे, इसका मतलब बुल्स के पास स्ट्रेंथ है. मैं बता देता हूं, मान लो अगर ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन पावरफुल है. इसमें पावरफुल है आपके बुल्स, ठीक है. इसमें बुल्स का स्ट्रेंथ है, बुल्स के पास स्ट्रेंथ है, ठीक है. तो बुल्स इज मोर पावरफुल. जस्ट वन सेकेंड. तो बुल्स आर मोर पावरफुल, ठीक है. सेम उल्टा, अगर यहां पर रेड ऊपर है, ओके, और ग्रीन नीचे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा आपका कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, इस केस में बेयर्स आर मोर पावरफुल. ठीक है, मैं एक एक चीज को चार्ट पर प्रूफ करूंगा, अभी सिर्फ आपको समझना है कि चल क्या रहा है. पहले मैंने क्या डिस्कशन किया, प्लस डीएमआई ग्रीन, माइनस डीएमआई रेड, एडीएक्स व्हाइट. अभी एडीएक्स का मैंने कोई रोल नहीं बताया. अगर ग्रीन लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे, इसका मतलब आपको शॉर्ट के लिए देखना ही नहीं है, आपको शॉर्ट के लिए नहीं देखना. बुल्स आर मोर पावरफुल, आपको सिर्फ लॉन्ग के लिए देखना है, ओके. सेम उल्टा, कि अगर रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, इसका मतलब बेयर्स आर मोर पावरफुल, आपको यहां पर लॉन्ग के लिए नहीं देखना,
आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स के लिए ही दिखना है, ठीक है? लिख नहीं रहा समझ जाना, आपको यहां पर बेयर्स पावरफुल है तो सिर्फ शॉर्ट के लिए देखना है, बुल्स पावरफुल है तो आपको लिए क्या देखना है, लॉन्ग के लिए देखना है, ठीक है? तो प्लस डीएमआई माइनस डीएमआई आपको समझ में आया होगा। एडीएक्स में आपको क्या दिखना है, एडीएक्स में आपको क्या दिखना है, व्हाइट कलर लाइन से आएगा। एडीएक्स में क्या दिखना है आपको, एडीएक्स में आपको दो चीजें देखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है स्लोप, स्लोप ऑफ एडीएक्स, ओके? स्लोप ऑफ एडीएक्स देखना है कि एडीएक्स का स्लोप कैसा है। इसमें आपको एडीएक्स का स्लोप हमेशा ऊपर चाहिए, ऊपर स्लोप ऊपर होना चाहिए, ऊपर स्लोप नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए एडीएक्स का। अभी मैं चार्ट पे प्रूफ करूंगा, प्लीज सुनते जाओ मुझे, ओके? एडीएक्स का स्लोप जो है वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ओके? अच्छा एक चीज बता दूं, ये मोमेंटम सेटअप का पार्ट है, ओके? आई लव मोमेंटम, ओके? मुझे मोमेंटम पसंद है, तीन चार कैंडल का मूव आता है मुझे वो मूव पसंद है, ओके? मुझे कंसोलिडेशन पसंद नहीं है, मोमेंटम पसंद है। तो ये जो पार्ट है ये मोमेंटम सेटअप का पार्ट है, ओके? तो एडीएक्स का स्लोप ऊपर होना चाहिए, एक ये चीज था। और हां, एडीएक्स का जो नंबर है मस्ट बी ग्रेटर देन 15, पंद्रह से ज्यादा होना चाहिए एडीएक्स का नंबर, ओके? 15 से ज्यादा होना चाहिए, 20-25 वो तो बढ़िया, बट 10-11-12 वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ओके? 15 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तीन इंग्रेडिएंट है, बस इसी के ऊपर पूरा सेटअप बेस्ड है। प्लस डीएमआई अगर ऊपर है, मतलब ग्रीन ऊपर है रेड नीचे, मतलब बुल्स आर मोर पावरफुल, ठीक है? रेड ऊपर है ग्रीन नीचे, मतलब बेयर्स आर मोर पावरफुल, मतलब सिर्फ शॉर्ट के लिए देखना है। और एडीएक्स आपका क्या सपोर्ट करेगा, एडीएक्स का स्लोप ऊपर होना चाहिए, एडीएक्स का स्लोप ऊपर होना चाहिए, और एडीएक्स का नंबर 15 से ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? बस यही चीजें हैं जो हमें देखना है, और इसी के ऊपर हमारा सेटअप बनाए। और सबसे खास बात जो है, इस सेटअप को आपको, वैसे आप कभी भी देख सकते हो, बट मैं चाहता हूं पर्सनली आप इस सेटअप पर आफ्टर 130, मतलब 130 के आसपास, 130 के आसपास या 130 के बाद इस सेटअप पे आपको एक्टिवली वर्क करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सेटअप को अगर आप 30 डेज फॉलो करते हो, 30 डेज आप पैसा लूज नहीं करोगे, नेट नेट प्रॉफिट में रहोगे, बट ब्लाइंडली फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि एक दिन फॉलो किया, दो दिन नहीं किया, तीन दिन किया, चार दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो, रेगुलर नेट नेट आप अच्छे गेन में रहोगे, क्योंकि ऐसा दिन ही नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है जब मोमेंटम नहीं मिलता, बहुत कम होता है। अभी अपने प्रूफ करेंगे, ओके? तो मेरे दिमाग में भी जो जो बातें आ रही है, जो जो मैं देखता हूं, मैं आपको सिर्फ बोलता जा रहा हूं, ओके? फिर मैं चार्ट पे बोलता जाऊंगा, चार्ट पे दिखाता जाऊंगा। तो 130 के आसपास आपको देखना है ये सेटअप पे, इसके पहले भी देख सकते हो, बट ज्यादा अच्छा वर्क करेगा 130 के बाद, ओके? जहां पर FIIs की एक्टिविटी एकदम पीक पर होती है, FIIs बाय करते सेल करते जब मोमेंटम आता है ना, तो ये आपको मोमेंटम सेटअप है, तो इसको आपको 130 के आसपास देखना है। और ये चलेगा कब तक, 315 तक कभी भी देख सकते हो, 315 तक कभी भी देख सकते हो, मतलब ये 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में नहीं बोलूंगा, बोल सकते हो 2 घंटे की बात है। तो 2 घंटे के आसपास इसमें आपको अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और उसके पहले तो चाहे तो आप मार्केट देखो या मत देखो, कोई बात नहीं, बट 130 से 315 तक देखना है, और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। अब अपने ऑब्जर्व करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? आई होप स्क्रीन विजिबल होगा, ठीक है? तो मैं वापस से लगा रहा हूं चार्ट पे, ठीक है? मैं चार्ट पे लगा रहा हूं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो इस सेटअप को। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स पे जाओगे और उस पर सर्च करोगे डीएमआई, ठीक है? डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, इसको आप लगाओगे, आपके पास कुछ ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है? इसकी सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाने के बाद मैं इसके इस साइड पे जाऊंगा, इस साइड पे मैं प्लस डीआई को, प्लस डीएमआई को मैं क्या करूंगा, मैंने जैसा बोला था ग्रीन, ओके? मैं ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन कोई भी कलर कर सकते हो, ठीक है? और इसको मैं थिकनेस को थोड़ा इंप्रूव कर देता हूं, माइनस डीएमआई को मैं रेड कलर रखता हूं, और इसकी भी मैं थिकनेस को बढ़ा देता हूं,
और मैं एडीएक्स को जैसे मैंने बोला था वाइट रखता हूं और इसकी थिकनेस को भी बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर, अब आपको यहां पर देखो क्या क्या दिख रहा है। रेड वाला ऊपर है, रेड वाला ऊपर है मतलब यहां पर बेयर्स आर मोर पावरफुल, ठीक है। ग्रीन वाला ऊपर है मतलब बुल्स आर मोर पावरफुल, और ये जो है ये एडीएक्स है। यहां पर नंबर्स दिख रहे होंगे आपको 14, 20, ये देखो नंबर दिख रहे हैं 20, 21, फिर 19 आया, 18 आया, ठीक है। और ये है आपका एडीएक्स का स्लोप। समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट देखोगे बार बार वीडियोस को समझ में आ जाएगा। और प्लस अभी तो अपने बहुत बार बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट 20-25 डेज का बैक टेस्ट करेंगे, आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा कैसे ट्रेड लेना है। ओके, तो ये है आपका स्लोप। स्लोप डिस्कशन किए थे अपने, स्लोप कैसा होना चाहिए एडीएक्स का, ऊपर होना चाहिए। ऊपर एडीएक्स का जो नंबर है वो कितने से ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, अब अपने इसको प्रूफ करते 130 के बाद, जैसे मैंने बोला 130 के बाद आपको सेटअप पे वर्क करना है। 130 वाला कैंडल कौन सा है, 130 वाला कैंडल है ये वाला, ये कैंडल है। ओके, ये कैंडल है 130, इसको देखते अपने ये। ओके, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं। मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस लेवल पर, प्लीज ध्यान से देखना, यहां पर प्लस सॉरी माइनस डीएमआई प्लस डीएमआई से ऊपर है मतलब बेयर्स आर मोर पावरफुल। आप यहां पर आप लॉन्ग नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आपका डीएमआई सपोर्ट नहीं कर रहा। और एडीएक्स का स्लोप कैसा है, एडीएक्स का स्लोप नीचे है, नीचे आप देख लो, मैं जूम इन कर रहा हूं बार बार ताकि आपको समझ में आए एडीएक्स का स्लोप कैसा है। दिख रहा होगा आपको एडीएक्स का स्लोप नीचे है, ठीक है, माइनस डीएमआई ऊपर है प्लस डीएमआई नीचे। आप कुछ भी हो जाए आप यहां पर लॉन्ग नहीं जाओगे, भले ही कितना अच्छा ब्रेकआउट दिख जाए आपको। सेटअप है, आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको दिखेगा कि यहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, बट हो सकता है ये फेक हो जाए, मोमेंटम नहीं है इसके अंदर, मोमेंटम नहीं है इसके अंदर। ओके, फिर क्या हुआ, कहां पर आया, फिर यहां पर थोड़ा चौपीनेस आ गया, यहां पर थोड़ा चौपीनेस आ गया। और उसके बाद देखो यहां पर भी क्या है, स्लोप नीचे साइड है, नीचे साइड है, नीचे साइड है, यहां पर थोड़ा सा स्लोप ऊपर गया है, यहां पर थोड़ा सा स्लोप ऊपर गया है, बट वापस से स्लोप नीचे आया। और जो अल्टीमेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता वो मिलेगा आपको इस कैंडल पर। मैं आपको बताऊंगा कहां कैंडल पर मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ट्रेड इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, ठीक है। कैसे मिला मैं बताता हूं, देखो इस कैंडल पर, इस कैंडल पर अगर आप देखोगे, मैं इसको कॉर्नर पे ले जाता हूं एकदम, ठीक है, इस कैंडल पर, इस कैंडल पर होगा क्या, इस कैंडल पर आपका देखो माइनस डीएमआई ऊपर है प्लस डीएमआई नीचे, मतलब बेयर्स के पास पावरफुल है, बेयर्स आर मोर पावरफुल। ओके, एडीएक्स का स्लोप कैसा है आप देखो, एडीएक्स का सॉरी एडीएक्स का जो स्लोप है वो ऊपर है, ऊपर, ठीक है। और ये जो इसका जो रेंज है 14 के आसपास है, मतलब 15 के आसपास ही है, तो 15 के आसपास है। और इसके बाद देखो आपको एक नीचे साइड का एक मोमेंटम मिला, ठीक है, नीचे साइड का मोमेंटम मिला, बट यहां पर क्या है, यहां पर आपको कोई सेटअप नहीं मिला, यहां पर आपको कोई सेटअप नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका एडीएक्स डीएमआई सपोर्ट नहीं कर रहा था, एडीएक्स डीएमआई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और एक बात बता दूं मैं, एक बात बता दूं, ठीक है, अगर स्लोप, अगर एडीएक्स का स्लोप जो है ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है और बीच में कहीं अपटिक हो रहा है, तो उसका जेन्युइननेस कम है। बट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से जाने के बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर हो रहा है स्लोप, तो उसका एकदम अच्छा जेन्युइननेस है, ठीक है। जैसे कि मतलब क्या हुआ, मान लो कहना के चारों में सुनना, मान लो एडीएक्स चल रहा है 25-30 का लेवल, ठीक है, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, 25 तक आया, 24 तक आया, ठीक है, 20 तक आया, और 20 से आने के बाद वापस से घूम गया, तो इसका जेन्युइननेस कम है किससे। मान लो एडीएक्स चल रहा है 25-30 और नीचे आया 14 आया, 13 आया और उसके बाद घूमा, तब जाके उसका जेन्युइननेस ज्यादा है। नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, अभी लेके चल रहा हूं, ठीक है। अभी समझो कि एक जो एंट्री था आपका वो यहां पर था, यहां पर एक एंट्री था, ओके, यहां पर आपका सेटअप पूरा सपोर्ट किया, मतलब
माइनस डीएमआई ऊपर है, एडीएक्स का स्लोप ऊपर है और आपका एडीएक्स 15 के आसपास है, 15 से ज्यादा है। ओके तो यहां पर आपको एक मोमेंटम मिला। ओके ये था 25th अक्टूबर का। और पीछे लेक्चर रहो, दिवाली का छोड़ो, यहां आते ठीक है, 115 का 130 के बाद का सेटअप ठीक है। तो 130 वाला कैंडल है ये। अब इसमें देखना आप ठीक है, इसमें आप देखना, मैं एकदम लास्ट पे लेके चल रहा हूं ठीक है, एकदम लास्ट पे लेके चल रहा हूं, मैं अपना वीडियो भी हाइड कर देता हूं ताकि इशू ना जाए। हाँ अब देखो, एकदम आपको कॉर्नर पे देखना है, थोड़ा मैंने जूम इन कर दिया, अब आपको एकदम कॉर्नर पे देखना है। ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये 130 वाला कैंडल है। ओके 130 वाले कैंडल पर अगर आप देखोगे क्या चल रहा है, माइनस डीएमआई ऊपर है, माइनस डीएमआई ऊपर है, प्लस डीएमआई नीचे है। इसका मतलब कौन पावरफुल है, इसका मतलब बेयर्स के पास ज्यादा पावरफुल है ठीक है, बेयर्स के पास पावर ज्यादा है। और उसके बाद अगर आप देखोगे इसका स्लोप, आप देखोगे ये देखो एडीएक्स 20 के आसपास है, 20 के आसपास है एडीएक्स, 20 के आसपास है एडीएक्स, और उसके बाद हो क्या रहा है, अपटिक 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 है। और उसके बाद यहां पर ब्रेकडाउन है, 50 ईएमए का ब्रेकडाउन है, और उसके बाद आप देखो क्या मोमेंटम पकड़ा। और एडीएक्स देखो आप, एडीएक्स भागता हुआ चला गया, एडीएक्स भागता हुआ चला गया, और यहां पर आप एक, आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा, आप यहां पर प्रॉफिट लेके निकल सकते हो ठीक है। तो आपको इतने पॉइंट्स का मूव मिला, इतने पॉइंट्स का मूव मिला। अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, सुनो, अब मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको यहां पर ही निकलना है, क्योंकि किसी को नहीं पता टॉप क्या है बॉटम क्या है, आपको स्कैल्पिंग करना है, आपको मूव मिला आपको निकलना है ठीक है। ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। ओके कहां पर प्रॉफिट बुक करना है वो ठीक है, वो तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है ठीक है, ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, यहां पे बुक करना है। मैं आपको सिर्फ यहां पर सेटअप बता रहा हूं कि आपको कब बाय सेल करने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब कोई यहां पर बाय करता है तो बेवकूफ है ना, कोई यहां पर बाय करता है तो बेवकूफ है ना, उसके तो ऐसे ही जाएंगे। यहां पर बाय करता है बेवकूफ है ना, क्यों, सपोर्ट ही नहीं कर रहा आपका सेटअप, आपका सेटअप ही सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका माइनस डीएमआई ऊपर है प्लस डीएमआई नीचे है, आपका डीएमआई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे लॉन्ग चले जाओगे, कौन बेवकूफ होगा जो यहां पर लॉन्ग जाएगा अगर आप ये सेटअप फॉलो कर रहे हो तो ठीक है। ये मोमेंटम सेटअप का पार्ट है, ट्रेन चल रही है, चलती हुई ट्रेन में कूदना है हमें। ओके तो ये देखो जैसे यहां पर एक अच्छा ट्रेड मिला तो यहां पर आप डेफिनेटली पैसा अर्न करोगे, और ये सॉरी और ये बहुत अच्छा ट्रेड है, क्यों, क्योंकि यहां पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है। आपको ये सब चीजें दिमाग लगानी पड़ेगी, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हुआ है, 50 एमए टूटा है, और उसके बाद एडीएक्स डीएमआई सपोर्ट कर रहा है, मार दो शॉर्ट, जो होगा देखेंगे, एसएल होगा ऊपर, एसएल होगा ऊपर इस कैंडल पर शॉर्ट, ऊपर होगा एसएल, मार दो शॉर्ट, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है आप देखो। अगर आप यहां पे शॉर्ट मारते हो ओके, यहां पे आपका एसएल होता है ऊपर तो 2.3, मतलब एटलीस्ट 2 का तो रखना ही आपको, एटलीस्ट 2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो रखना ही आपको। और प्लस ये मोमेंटम है, मोमेंटम में तो कभी ऐसे दिन भी आएंगे जब आप छाप के निकल जाओगे एकदम ठीक है। और देखते हाँ एक चीज बता दूं, ये सेटअप कब वर्क नहीं करेगा, जैसे कि आपको पता था सुपर ट्रेंड कब वर्क नहीं करता था, जब मार्केट साइडवेज होता था, चौपी होता था, सेम इसके साथ है, जब मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो ये सेटअप वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि सेटअप का नाम ही क्या है, मोमेंटम सेटअप, और अगर मोमेंटम नहीं मिलेगा तो ये कैसे वर्क करेगा आप बताओ ना। बट क्या हमेशा ऐसा होगा मोमेंटम नहीं मिलेगा, नहीं, 5 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जिसमें आपको मोमेंटम मिलेगा, 130 के बाद मिलेगा, 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जिसमें नहीं मिलेगा, और उसमें भी आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, माइनर लॉस होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे, बट कमा के निकलोगे तो जोर का छाप के निकलोगे ठीक है। तो आपको 1-1.5 बजे तक तो आराम करना है, 130 तक आराम करना है, 130 के बाद आपको सेटअप एक्टिवेट होता दिखेगा और वहां पे जाके आपको ट्रेड में कूदना है ठीक है। और बैक टेस्ट करते हैं और लेके चलते हैं ठीक है, ये तो हुआ है ना। अब यहां पे देखो 130 वाला कैंडल कौन सा है, ये देखो ये कैंडल है। अब यहां पे क्या होगा सुनना,
आप देखो एक एक चीज को ऑब्जर्व करना, थोड़ा और मैं स्पीक करता हूँ, मैं अपने वीडियो हाइड कर देता हूँ। ये देखो, अब वापस से क्या हुआ, इस कैंडल पर, अभी तक इस कैंडल पे क्या था, बुल्स आर मोर पावरफुल, ओके। फिर इस कैंडल पे क्या हुआ, ये लास्ट कॉर्नर पे देखने, एकदम कॉर्नर पे, एकदम कॉर्नर पे क्या हुआ, बेयर्स आर मोर पावरफुल, बेयर्स आर मोर पावरफुल, बट क्या है, स्लोप, स्लोप देखो एडीएक्स का, एडीएक्स 18 है, बट स्लोप क्या है, एडीएक्स का स्लोप जो है वो नीचे साइड है, तो हम यहां पर इंटरेस्टेड नहीं है। देखो एडीएक्स का स्लोप नीचे साइड है, एडीएक्स का स्लोप नीचे साइड है, देख रहे हो आप, एडीएक्स का स्लोप नीचे साइड है, एडीएक्स का स्लोप। अब देखो अब क्या हुआ, एडीएक्स का स्लोप वापस से, ये देखो यहां पर थोड़ा ऊपर हुआ, यहां पर थोड़ा सा ऊपर हुआ एडीएक्स का स्लोप, एडीएक्स का स्लोप थोड़ा सा ऊपर हुआ, बट यहां पर क्या हुआ, रिजेक्शंस पड़ रहे हैं, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल भी लगा हुआ है, देखो आप प्लीज ध्यान से देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा हुआ है, और यहां पर एडीएक्स का स्लोप थोड़ा सा ऊपर हुआ है, बट यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको ब्रेक डाउन होने का वेट करो, ठीक है, वेट करना है आपको। फिर क्या हुआ, अचानक से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये देखो क्या हुआ, ओ ऊपर आने के बाद यहां पर बुल्स, बुल्स स्ट्रेंथ में आ गए, देखो एकदम कॉर्नर पे, ये वाला कैंडल देखना है आपको, ठीक है, ये वाला कैंडल एकदम कॉर्नर पे देखना है आपको, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर बुल्स वापस से पावर में आ गए, बट स्लोप कैसा है, स्लोप नीचे 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 है, नीचे है, नीचे है, और फाइनली यहां पर कहीं जाकर आपको मोमेंटम आएगा, ठीक है। यहां पर अब देखो क्या हुआ, इस कैंडल पर ये 235 का कैंडल है, यहां पर आपका एडीएक्स का स्लोप भी अपटिक हुआ है, 15.76 का लेवल है, और यहां पर आप जाके लॉन्ग जाओगे, लॉन्ग जाओगे, और उसके बाद आप देखो आपको मोमेंटम मिलेगा, देखो मिला आपको मोमेंटम। आपका एंट्री प्राइस क्या हुआ, आपका एंट्री प्राइस हुआ इस कैंडल पर, इस कैंडल पर, तो यहां पर आपका प्राइस हुआ 541, और गया कितना 580 81, तो 40 पॉइंट का आपको मूव मिला, और इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा, ये लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहां पे लगाते ऐसा होता नीचे, और एटलीस्ट तो यहां पर आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहते या प्रॉफिट में ही रहते, ठीक है, क्योंकि यहां पे 1.5 का मिला, 1.5 का मिला, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका सेटअप ने सपोर्ट किया, अब यहां पर आप शॉर्ट नहीं जा सकते, यहां पर आप शॉर्ट नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि शॉर्ट के लिए आपका एडीएक्स डीएमआई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको जाना है तो लॉन्ग ही जाना है, ठीक है। तो ये है सेटअप, और देखते हैं, जैसे यहां पे थोड़ा चौपीनेस है, यहां पे थोड़ा चौपीनेस है, तो यहां पे वर्क नहीं करेगा, जैसे यहां पर चौपीनेस है, ऊपर नीचे, तो यहां पर वर्क नहीं करेगा, यहां पर वर्क नहीं करेगा, इसको चाहिए मोमेंटम, इसको चाहिए मोमेंटम, ओके। जैसे यहां पर भी चौपीनेस है, यहां पर भी चौपीनेस है, तो जब मार्केट चौपीनेस है तो कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम तो क्या पकड़ रहे हैं, हम तो मोमेंटम पकड़ रहे हैं ना, तो यहां पर जब चौपीनेस आ गई, फंस गया मार्केट, तो उस केस में आपको कोई भी सेटअप वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी प्लस डीएमआई ऊपर होगा, आप इस केस में शॉर्ट नहीं जा सकते, शॉर्ट नहीं जा सकते, अगर ग्रीन वाला ऊपर है रेड वाला नीचे है, आप शॉर्ट नहीं जा सकते, कितना भी बड़ा आके ज्ञानी बोल दे आपको शॉर्ट जाने को नहीं जा सकते आप, ठीक है। सेटअप पे वर्क करो, वेट करो, ये अगर रेड हो जाएगा, ये अगर रेड वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ग्रीन वाला नीचे आ जाएगा, उस केस में हम शॉर्ट जा सकते हैं, बट नहीं जा सकते जब तक कि हमारा सेटअप हमें बोल नहीं रहा, ओके। और देखते हैं, ठीक है, ये तो चौपी वाले, ये चौपी डेज थे, देखो ये भी चौपी है, ये भी चौपी है, बट क्या हो रहा है यहां पे, हाँ ये भी चौपी है। अब देखो यहां पे होगा क्या, ये पूरा चौपी है, तो ऐसे साइडवेज मार्केट में ये वर्क नहीं करेगा, इसका ड्रॉबैक है, ना सुपर ट्रेंड वर्क करेगा साइडवेज मार्केट में, ना आपका एडीएक्स डीएमआई वर्क करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, मोमेंटम में प्राइस को भगना तो पड़ेगा ना ऊपर या नीचे, तो इस केस में ये वर्क नहीं करेगा,
इसमें आपको लॉस भी नहीं होगा ज्यादा, नीचे आएगा ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप कॉस्ट टू कॉस्ट या माइनर लॉस में ही रहोगे, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो। और देखते हैं, हाँ ये देखो, जैसे ये आया एकदम परफेक्ट सेटअप, अब ये क्या हुआ देखो, 130 की बात करते हैं, ओके 130 वाला कैंडल है आपका ये कैंडल। अब देखो होगा क्या, वीडियो ऑफ कर रहा हूं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, बट सेटअप समझ में आना चाहिए पूरा, ओके कोई डाउट नहीं देना चाहिए। अब देखो होगा क्या, यहां पर ये 130 वाला कैंडल है, अब आप देखो इस लेवल पर, इस लेवल पर आपका बेयर्स का स्ट्रेंथ ज्यादा है, रेड वाला ऊपर है ग्रीन वाला नीचे है, मतलब बेयर्स आर मोर पावरफुल, ओके बट क्या एडीएक्स सपोर्ट कर रहा है, एडीएक्स व्हाइट लाइन है, एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका स्लोप क्या है नीचे, स्लोप क्या है नीचे, स्लोप क्या है नीचे, स्लोप नीचे, स्लोप नीचे, और इस लेवल पर ये कैंडल पर, ये देखो कैंडल दिखे ही वाली, ये कैंडल हो गई आपकी ट्रिगर पॉइंट, आपका एंट्री पॉइंट हो गया, और इस सेटअप पे देख लो, इस कैंडल पर मैं कैंडल को एक बार हाईलाइट कर रहा हूं, इस कैंडल पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल पर आपका सभी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, देखो माइनस डीएमआई ऊपर है, मतलब बेयर्स आर मोर पावरफुल, आपका देखो 21.2595 क्या है, आपका एडीएक्स का लेवल है, मतलब 15 के ऊपर है, और स्लोप क्या है अपटिक है, और यहां पर एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है, और उसके बाद आप देखो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद एकदम फॉल देला, दिख रहा हो ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल, ये देखो यहां पर, यहां कहीं पर, ठीक है। तो होगा क्या, आपने कितना पॉइंट कैप्चर किया, आपने शॉर्ट मारा 270 पर, एटलीस्ट ये देखो 100 पॉइंट्स का फॉल आया, 100 पॉइंट्स का, क्या चाहिए आपको, यहां पर शॉर्ट मारा 270 पर, लो क्या बनाया 170, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने यहीं पर बुक करोगे, अरे आप यहां पर बुक करोगे, आप 50 60 70 पॉइंट्स पे बुक कर ही सकते हो ना, ट्रेल करते चलो एसएल को, ओके। तो ये है मोमेंटम सेटअप, ये परफेक्ट सेटअप है जहां पर हमारा एक 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 इंग्रेडिएंट, एक एक कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है, प्लस डीएमआई माइनस डीएमआई एडीएक्स सब कुछ एकदम परफेक्ट सपोर्ट कर रहा है, परफेक्ट जिसे बोलते हैं ना परफेक्ट ट्रेड, वो है ये, ओके तो ये मेरे लिए परफेक्ट ट्रेड था। और देखते हैं, अब ये देखो, ये इस लेवल पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पे ये हुआ कि आपका ये वाला कैंडल, ओके ये वाला कैंडल थोड़ा जूम कर रहा हूं, यहां पे देखो बेयर्स के पास स्ट्रेंथ है, क्योंकि माइनस डीएमआई ऊपर है, माइनस डीएमआई ऊपर है और प्लस डीएमआई नीचे, मतलब बेयर्स के पास स्ट्रेंथ है, यहां पर स्लोप जो है, स्लोप अपटिक नहीं है, अपटिक नहीं है, स्लोप जो है फ्लैट है, मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे, स्लोप अपटिक नहीं है, स्लोप क्या है फ्लैट है, फ्लैट, ये स्लोप जो है फ्लैट है, स्लोप कैसा होना चाहिए, स्लोप अपटिक होना चाहिए, ऊपर की साइड होना चाहिए, ओके स्लोप ऊपर की साइड होना चाहिए, यहां पर स्लोप क्या है फ्लैट है, फ्लैट, आगे देखते हैं क्या होता है, ये देखो वापस से फ्लैट है, वापस से फ्लैट है, वापस से फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट चल रहा है, ओके फ्लैट चल रहा है, फ्लैट फ्लैट चल रहा है, ये एकदम पूरा फ्लैट है, ये पूरा फ्लैट है, आप देख रहे हो पूरा फ्लैट है, अपटिक होना चाहिए, अपटिक जैसे ये दिख रहा है आपको, डाउन टिक है, ये पूरा डाउन टिक दिख रहा है, पूरा डाउन टिक दिख रहा है, ये फ्लैट दिख रहा है, फ्लैट, ओके उसके बाद ये डाउन टिक आया है, ये देखो वापस से डाउन टिक आया है, दिख रहा है डाउन टिक, एकदम कॉर्नर पे देखना, कॉर्नर पे यहां पर मार्क कर रहा हूं मैं, ये डाउन टिक आया है वापस से, इस कैंडल पर डाउन टिक आया है, ठीक है, तो कोई एंट्री नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, उसके बाद क्या हुआ देखना, ओ उसके बाद क्या हुआ, बुल्स ने टेक ओवर करा, दिख रहा है आपको ये लेवल पर, ये लेवल पर बुल्स ने टेक ओवर करा, मतलब बुल्स के पास स्ट्रेंथ आ गई, बट क्या एडीएक्स सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, एडीएक्स का स्लोप भी नीचे है और 15 के आसपास है, ओके एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा, 14 आ गया, अभी भी नहीं कर रहा, और अब यहां पर करा एडीएक्स ने, जहां पर आपका देखो ये हुआ अपटिक, ये देखो आपको दिख गया होगा अपटिक, ये अपटिक हुआ,
15 के आसपास है, तो यहां पर कहीं तो भी आपका एंट्री बन सकता है, और देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। और उसके बाद आपका ये देखो ये साइडवेज हो गया, ये फिर साइडवेज हो गया, यहां पर एंट्री था, थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, और ये क्या हुआ, ये पूरा साइडवेज हो गया, ऊपर नीचे ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं फ्लैट ही क्लोज हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट पे आयोगे, लॉस हुआ होगा, वापस से ऊपर गए होगे, कॉस्ट पे आयोगे, कहीं ना कहीं कॉस्ट पे ही क्लोजिंग आई होगी। ओके, तो साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा। और देखते हैं सर क्या इतनी बारीकी से देखना है? बिल्कुल, आपको इतनी ही बारीकी से इस सेटअप को ऑब्जर्व करना है कि स्लोप क्या चल रहा है। देखो पैसा कमाना है ना, कोई मजे तो कर नहीं रहे कि मजे के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाना है, इससे अपने को ऑप्शन बाय करना है, मोमेंटम पकड़ना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ऑप्शन बाय करो, इसकी हेल्प से आप ऑप्शन सेल भी कर सकते हो डायरेक्शनल बेसिस पे। जैसे मान लो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ओके, आपको दिखा कि सेटअप आया सेल साइड के लिए, तो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, जैसे ही मोमेंटम मिला आप निकल गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको सेल करना है, बेयर कॉल बुल पुट लगाना है, तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो डायरेक्शनल इसकी हेल्प से, क्योंकि ये जो सेटअप क्या है, मोमेंटम सेटअप है। ठीक है, मैं और आ रहा हूं, और जाता हूं, ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूं ताकि क्लियर हो। यहां देखते हैं, ओके, 130 वाला कैंडल ही आया, ओके, ये 130 वाला कैंडल आया, अब देखना, ऑब्जर्व करना, वीडियो हाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये कैंडल आया, अभी क्या चल रहा है, देखो इस कैंडल पर कौन पावरफुल है, बेयर्स, क्योंकि दिख रहा होगा आपको, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार और जूम कर देता हूं, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या दिख रहा होगा कि यहां पर बेयर्स पावर में, रेड वाला ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे, रेड वाला ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे, मतलब बेयर्स पावर में। ऐसा नहीं है इस कैंडल को देख के आप लॉन्ग चले जाओ, आपको वेट करना है मोमेंटम का। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये देखो स्लोप भी नीचे जा रहा है, स्लोप भी नीचे, उसके बाद क्या है, कोई एंट्री नहीं है, स्लोप नीचे, कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, स्लोप नीचे है, और यहां पर देखो फाइनली इस लेवल पर बुल्स ने टेक ओवर किया है बेयर्स को, मतलब इस लेवल पर बुल्स स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए देखना, लॉन्ग के लिए। अब क्या ADX सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, 11 का लेवल है, 11 का नहीं कर रहा ADX सपोर्ट। आपको चाहिए मोमेंटम, वेट करो, 12 आया, ओके, उसके बाद क्या हुआ, 13 आया ADX, यहां भी कोई सेटअप नहीं है, 14 आया, फाइनली यहां पर कहीं एंट्री मिलेगा, और उसके बाद देखो ये साइडवेज हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, आपको एंट्री मिला यहां कहीं पे, बट हो क्या गया, ये साइडवेज हो गया, तो साइडवेज हो गया, आपको लॉस तो लगा नहीं, या तो आप, अगर आपने ऑप्शन सेल किया होगा तो माइनर प्रॉफिट में ही रहे होंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट में एंड किया होगा। ठीक है, अब आपको डाउट क्या आएगा, सर ये मूव मिस हो गया। हाँ, तो इस मोमेंटम सेटअप में ये है कि आपसे ये वाला मूव मिस हो गया, बट कभी कभी मैंने बोला ना कि एकदम परफेक्ट ट्रेड मिलता है। परफेक्ट ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड कि जैसे अभी अपन ने देखा कि उसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा, सेम टाइम पर DMI सपोर्ट करेगा, सेम टाइम पर ADX सपोर्ट करेगा, एकदम परफेक्ट सेटअप। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट आएगा, सर ये मूव मिस हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं ना, अगर मान लो यहां से जाने के बाद फेक होके वापस से नीचे आ जाता तो आप तो लॉस से भी तो बच गए। ठीक है, आप लॉस से भी तो बच गए, ये भी तो सोचो, अगर हमें नहीं पता आगे क्या होगा, हमें बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होगा, बट अगर ये मान लो यहां से नीचे आ जाता तो हम लॉस से भी तो बच गए ना। हम मोमेंटम सेटअप के साथ चल रहे हैं, हम चलती हुई ट्रेन में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपका सेटअप। एक मैं अब रेंडमली कोई भी जा रहा हूं, ठीक है, रेंडमली कोई भी, जैसे ये देखो, जैसे यहां पर अब ये देखो, ये सेटअप देखते हैं, ओके, यहां देखते हैं 130 का कैंडल कौन सा है, ये होगा, ठीक है? अब यहां देखो, यहां क्या होगा, ये 130, मैं फिर से वीडियो ऑफ कर रहा हूं, हाँ, अब यहां पे देखो आप, ये 130 पर कैंडल आया, ऐसा कैंडल आया, अभी क्या है, इस लेवल पर क्या दिख रहा है आपको,
आपको दिख रहा है कि बेयर्स के पास स्ट्रेंथ है, ओके, बट आपने देखा कि एक लेवल लगा हुआ है, एक लेवल लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको टूटने दो पहले, ओके, स्लोप ऊपर साइड है, सब कुछ पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, देखो ये 130 का कैंडल आया, ये वाला कैंडल, ओके, एकदम कॉर्नर पे देखना, 10 सेकंड इसको हटा रहा हूं मैं, एकदम कॉर्नर पे देखना, ये 130 का कैंडल है, ओके, आपने मार्क किया कि ये भैया एक सपोर्ट लेवल है, देखते हैं इसमें क्या होता है। आपका डीएमआई पूरा सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट के लिए, एडीएक्स भी सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट के लिए, बट आपने देखा एक लेवल लगा हुआ है, उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है, ये गया, ओके, ये गया, कोई ट्रेड नहीं मिला, देखो स्लोप धीरे धीरे नीचे आ रहा है, एडीएक्स का स्लोप धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फ्लैट हुआ, कुछ ट्रेड नहीं मिला, ये देखो यहां पर कोई ट्रेड नहीं मिला, ये स्लोप कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, ओके, और यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है, यहां पर चल रहा है कंसोलिडेशन, और उसके बाद देखो हुआ क्या, उसके बाद अगर आप देखते हो, ये देखो यहां पर ये आया आपका परफेक्ट सेटअप, जहां पर एडीएक्स ने, ये देखो कितना बढ़िया ट्रेड चल रहा है, यहां पर क्या हुआ, डीएमआई सपोर्ट कर रहा है, 21 का लेवल है एडीएक्स का, ब्रेकडाउन आया है, ओके, स्लोप क्या है, ऊपर साइड है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम में क्या मूव दिया, क्या गिरा, बस अगर आपके ट्रेडिंग सेशन में अगर एक भी दिन ऐसा आ गया जहां पर आपने 17,085 से शॉर्ट मार के 955 आपने 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव अगर पकड़ा है तो आपका होगा या पूरे वीक का होगा, ठीक है, बस सेटअप की हेल्प से। अब यहां पर कोई ये ना सोच ले कि चलो ये यहां पर लॉन्ग चले जाए, आपको लॉस होगा क्योंकि ये मोमेंटम में चल रहा है, मोमेंटम में है, लॉन्ग जब तक नहीं जाना जब तक आपको ये प्लस डीएमआई मतलब ग्रीन वाला रेड वाले के ऊपर ना आ जाए तब तक आपको लॉन्ग के लिए नहीं देखना, ओके, और ये देखो ऐसे बहुत सारे सेटअप्स मिलेंगे, मतलब आपको मिलेगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है, ये साइडवेज में वर्क नहीं करेगा, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, जब भी साइडवेज होगा ये वर्क नहीं करेगा, और ये देखो यहां पर भी देख लो, आप यहां पर भी देख लो एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा, ये 130 का सेटअप आया, स्लोप नीचे, ये स्लोप पूरा नीचे, ये स्लोप नीचे, ओके, और यहां पर स्लोप ऊपर हुआ, या फिर बोल दो स्लोप कहां पर ऊपर हुआ, एकदम परफेक्ट लेवल बताता हूं मैं, 13, 14, 15 यहां पर, इस लेवल पर आपका परफेक्ट एंट्री आएगा, इस कैंडल पर परफेक्ट एंट्री आएगा, यहां पर देख लो डीएमआई सपोर्ट कर रहा है, एडीएक्स 15 के आसपास है, स्लोप ऊपर है, स्लोप दिख रहा है आपको, और ये आपका परफेक्ट लेवल है शॉर्ट के लिए, और उसके बाद तो देख लो रुका ही नहीं, उसके बाद आप देख लो यहां पर शॉर्ट मारा था आपने इस कैंडल पर, और उसके बाद देखो एक नीचे साइड मूव आया, तो बहुत ही, अगर आपको इंट्राडे में इतना पॉइंट मिल रहा है 40, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, तो बहुत है, ओके, तो आई होप सेटअप समझ में आया होगा। अब ठीक है, मैं एक ऐसे रेंडमली डेट पे जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं कहीं पे भी चला जाता हूं, एक बार देख लेता हूं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, पास में कभी भी जा रहा हूं मैं। रैंडमली जाऊं कहीं पे भी, चलो यहां आते हैं, इधर आते हैं, ओके, इस लेवल पर आते हैं, ये कब का प्राइस एक्शन है, 8 सितंबर का है, देखते हैं, ठीक है, 8 सितंबर का है, देखते हैं, 130 सेटअप, ओके, 130 कैंडल मार्क कर रहा हूं मैं, ये कैंडल है, वीडियो को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, ये कैंडल है, यहां पे दिख रहा होगा कैंडल, अभी क्या हो रहा है, सेल्स के लिए सपोर्ट कर रहा है, सेल साइड के लिए, ओके, बेयर्स आर मोर पावरफुल, बट स्लोप कैसा है, स्लोप नीचे साइड है, एडीएक्स का स्लोप नीचे साइड है, शॉर्ट नहीं मार सकते, ओके, वेट करो, स्लोप कैसा है फ्लैट है, थोड़ा सा अपटिक जा रहा है, और यहां पर मुझे लगता है कि यहां पर ब्रेकडाउन आया है, ओके, यहां पर ब्रेकडाउन आया है, चलो इस लेवल पर ब्रेकडाउन आया है, इस लेवल पर मानते कि यहां पे आप शॉर्ट करते, ओके, यहां पर आप शॉर्ट करते, उसके बाद क्या हुआ देखते, ओके, फॉलोअप नहीं आया, यहां पर आपका बिल्कुल ऐसे लगा, ठीक है, ये आपका हुआ एसएल, परफेक्ट एसएल जाएगा तो आपको एग्जिट करना है, आपको टालना नहीं है, ये गया आपका एसएल लगा, यहां पर आपने एग्जिट करा,
आपको ऑब्जर्व करना है हो क्या रहा है, वापस से क्या हुआ, ऊपर आया, ऊपर आया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ऐसा लग रहा है यहां पर अल्टीमेटली जाके यहां पर इस कैंडल पर, इस कैंडल पर आपका क्या हुआ, बुल्स स्ट्रेंथ में आए, बुल्स पावर में आए, ओके, बुल्स पावर में आए। स्लोप क्या है, स्लोप थोड़ा सा डाउन टेक है, नीचे साइड है, तो मैं यहां पर और वेट करूंगा, और वेट करूंगा, और वेट करूंगा, और वेट करूंगा, वेट करूंगा, यहां पर मैं वेट करूंगा, और अब कहीं जाके, अब कहीं जाके इस लेवल पर, इस लेवल पर जाके अगर आप देखोगे इस कैंडल पर, इस कैंडल पर जाके कहीं तो भी आपका स्लोप पॉजिटिव हुआ है, मतलब अपटिक हुआ है, ADX 17 के लेवल पर आया है, और अपना ये तो सपोर्ट कर ही रहा है, ये तो सपोर्ट कर ही रहा है, तो उसके बाद आप देखो आपको एक शायद एक मोमेंटम मिला होगा, ओके, तो कम मोमेंटम मिला, कितने पॉइंट्स का मिला, 780 से 800, मतलब 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट्स का मूव मिला, ओके, 30 पॉइंट्स का मूव मिला, बट यहां पर आपका एसएल गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, तो नेट नेट आप माइनर लॉस में होगे या कॉस्ट टू कॉस्ट में ही निकलोगे, ओके, तो ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, ओके, बहुत बढ़िया सेटअप है, और मुझे लगता है 5 ट्रेडिंग सेशन में से 3 ट्रेडिंग सेशन मूव मिलता है, 2 में नहीं मिलता, ओके, 130 के बाद ऑब्जर्व करना, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके, ठीक है, और मुझे क्या क्या बोलना है, मैं सोच रहा हूं, इस सेटअप में एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, मान लो कभी ऐसा होता है आपको 130 पर एंट्री नहीं मिला, ओके, 145 पर भी एंट्री नहीं मिल रहा, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, 150 हो गया, 150 पर भी एंट्री नहीं मिला, 155 पर एंट्री मिला, या 157 पर एंट्री मिला, 155, 157 पर एंट्री मिला, उस केस में आप अवॉइड कर सकते हो, कब तक के लिए, 2:05 तक के लिए अवॉइड कर सकते हो, नहीं ऐसा मैं बोल रहा हूं वापस से, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 130 पे देखा एंट्री नहीं मिला, 145 पे नहीं मिला, 150 पे नहीं मिला, 155 पे मिल रहा है, या 157 के आसपास मिल रहा है, बट आपने देखा यार 2 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, उस केस में आप 3 मिनट और वेट करना, आपको एंट्री नहीं लेनी, आप 2:05 तक एंट्री नहीं लोगे, अगर आपको एंट्री इस टाइम फ्रेम तक नहीं मिला तो, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि कभी कभी 2 बजे एग्जैक्ट 2 o'clock पर बहुत हर कुछ कैंडल आता है, आपको नहीं पता 2 बजे FIIs आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, बड़ा ग्रीन बना देंगे, बड़ा रेड बना देंगे, मान लो आप, आपका पूरा ट्रेड फेवर में, ओके, बट होगा क्या, 2 बजे अचानक से इतना बड़ा कैंडल आएगा, वो FIIs का कैंडल होता है, तो आपको लॉस हो जाएगा, तो कभी अगर ऐसा होता है जब 155, 157 तक एंट्री ना मिले आपको, तो 2 बजे एंट्री बिल्कुल मत लेना, 2:05 तक का वेट करना, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ये जस्ट मैंने इसे शेयर कर दिया, हाँ अगर आपको 130, 145 पे एंट्री मिल रहा है तो डेफिनेटली आप लेना, तो आपको लेना है, अगर 155, 157 पर आ रहा है तो आपको नहीं लेना, 2 बजे तक का वेट करना है, 2:05 का कैंडल खत्म होने दो, उसके बाद आप ट्रेड में घुसना, ओके, तो एक चीज मुझे ये बोलना था, इस सेटअप के ड्रॉबैक्स मैंने बता दिए, साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करेगा, हाँ एक चीज और बोलता हूं, अगर आपको ये पॉजिटिव, ये क्रॉसओवर होता हुआ दिखता है, अगर आपकी आंखों के सामने अगर क्रॉसओवर होता हुआ दिखता है, और आपको दिखता है कि यार प्राइस में स्ट्रेंथ है, सब कुछ पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग जा सकते हो, ADX के बगैर भी आप थोड़ा बहुत लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी सब चीजें सपोर्ट कर रही है तो। अब बाकी सब चीज में क्या हुआ, जैसे अब वो मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वो ट्रेडर्स कम्युनिटी का पार्ट है, तो मैं कुछ कुछ बातें ही बोल पाऊंगा, क्योंकि आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है ये सिर्फ एक सेटअप को अच्छे से एक्सप्लेन करने की, ओके, बट मैं यहां पर क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपकी आंखों के सामने ये क्रॉसओवर्स होते हैं, ये क्रॉसओवर्स होते हैं, तो इन क्रॉसओवर्स पर आप एक बार को ट्रेड देख सकते हो, प्रोवाइडेड अदर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब अदर कंडीशन में क्या है, जैसे हम VWAP देखते हैं, हम CPR भी देखते हैं, हम सुपर ट्रेंड भी देखते हैं, हम बॉलिंगर ट्रेंड भी देखते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स में डिफरेंट डिफरेंट कहानी है, बट अभी आपको क्या करना है, आपको कोई दिमाग मत लगाओ, ठीक है, आपको सिर्फ
इस सेटअप पर वर्क करना है, बैकटेस्ट करो, बहुत अच्छा सेटअप है। 130 के बाद आपको एकदम जेन्युइन मूव मिलेंगे और ट्रेंडिंग मूव मिलेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि मुझे ट्रेड लेना है, आपको 130 के बाद ऑटोमेटिकली ट्रेड मिलेंगे, ओके। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी मैंने दिवाली पे मोहरत ट्रेडिंग पे हम लोगों ने ट्रेडर्स कमिटी मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेडिंग किया था, उसमें क्या हुआ था, एक चीज मैंने बताया था उन लोगों को, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी भी, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, MS धोनी, ओके, MSG, इसका स्टाइल क्या था, उसका खेलने का स्टाइल क्या था, वो आता था गेम को एंड तक ले जाता था, ठीक है। अगर मान लो गेम वो पहले ही आउट हो गया, मान लो MSG आया पहले ही आउट हो गया, तो क्या मैच आखिरी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो MSG की प्लानिंग ही क्या रहती थी, वो सेफ प्ले करता था और गेम को आखिरी तक ले जाता था, 45, 46, 48, 49 ऐसे ओवर्स तक ले जाता था और वहां पर जाके फिनिश करता था। तो यही चीज आपको ट्रेडिंग में करनी है, आपको जंप नहीं करना 915 पर, क्या हूं मैं 915 पर ही मैं कॉल ले लू, पुट ले लू, अरे लॉस ही होगा। बाय लक एक दो बार आप सही भी हो जाओगे, बट अल्टीमेटली अगर आप 30 दिन बाद देखोगे, आप पाओगे कि आपको तो मेजर लॉस हो गया, ठीक है। आप अपने जो पूरे दिन को है उसको आखिरी तक ले जाओ, ठीक है। आप वेट करो यार, मुझे 9:15 से 10:30 तक तो कोई ट्रेड नहीं करना, आप ये बना लो रूल, मुझे 9:15 से 10:30 तक कोई ट्रेड नहीं करना। अब उसके बाद 10:30 के बाद मैं एक ट्रेड देखूंगा, 11:30 या 11:15 के आसपास अगर कोई मुझे ट्रेड मिलता है तो, ओके। उसके बाद क्या होगा, ले जाओ आखिरी तक ले जाओ, नहीं मिल रहा ट्रेड, जबरदस्ती नहीं कूदना, नहीं यार मुझे तो लेना है ट्रेड, नहीं जबरदस्ती नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा 12:30 के आसपास, ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा 1:30 के आसपास, फिर मिलेगा 2 बजे के आसपास, फिर मिलेगा 3 बजे के आसपास। तो ये 4 अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल गया और इसमें से एक भी मूव आपने पकड़ लिया, आप छाप के निकलोगे। बट अगर आपने यहां पर ट्रेड लेके आपने शॉर्ट मारने के चक्कर में कि मैं तो पावर प्ले चल रहा हूं, मैं तो चौका छक्का मारूंगा, आप यहां पर अपना विकेट खो सकते हो, और विकेट खो सकते हो मतलब लॉस कर सकते हो, और उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में यहां पर आप 12:30, 1:30, 2:30 यहां पर आप उल्टे पुलटे ट्रेड लोगे, फिर आपको सेटअप नहीं दिखेगा, फिर आपको दिखेगा यार ये लॉस कैसे कम हो जाए, और अल्टीमेटली क्या होगा, बड़ा लॉस लेके निकलोगे। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर फालतू के ट्रेड ले रहे थे। अरे मिलेगा, मैं बता रहा हूं लिटरली, आप सोचो, इमेजिन करो, मैं तो बोल रहा हूं आपको, उठाई स्क्रीन के सामने 11 बजे के बाद बैठा करो, 11 बजे के बाद, ठीक है, आपको इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स मिलेंगे, आप बोलोगे यार कितना अच्छा ट्रेड मिला, मजा आ गया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बताना था, और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक करते रहना, ठीक है। अब काफी लोग बोल रहे थे कि मोहरत ट्रेडिंग में पिक्स बताओ, मोहरत ट्रेडिंग में कौन सा स्टॉक है। देखो यार, स्टॉक की बात ही नहीं करते, ठीक है, सब सब अपने अपने स्टॉक दे रहे होंगे, कोई लॉन्ग टर्म के लिए बैट कर रहा होगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप एक, जैसे एक होता है ना कि यार, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, फिशरमैन, ओके, जो मछली पकड़ रहा है, और एक होता है जिसको मछली फीड करा दिया कि यार हमने आपको मछली पकड़ के दे दिया आप खाओ, और एक होता है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि मछली कैसे पकड़नी है, ठीक है। तो आप उस चीज पे फोकस करो, और अल्टीमेटली यही आपके लॉन्ग टर्म में काम आएगी। अब जैसे सुपर ट्रेंड बताया, कितने लोग ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ लिटरली, ज्यादा लोग नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि आधे लोगों को तो लगता है ना क्या हलकट सेटअप है, कुछ भी है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ तो बाय, सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ तो शॉर्ट। लेकिन उसी सेटअप से लोगों का घर चलने लगा, लिटरली लोगों का घर चलने लगा, और बहुत अच्छे से डिसेंसी के साथ अर्न कर पा रहे हो, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, ओके। बस बात होती है एक सेटअप को पकड़ के चलने की, ओके। तो आज मैंने ये दूसरा सेटअप लेकर आया, आई थिंक ये थर्ड ऐसा वीडियो है जहां पे मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग सेटअप दिया है। मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो मेरा विक्स सेटअप वाला है, आप देखना जाके, ठीक है, जहां पर मैंने बॉलिंगर बैंड, प्राइस और विक्स को पूरा सपोर्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है वो अभी के टाइम पे वर्क नहीं कर रहा, बट वो जब वर्क करता है ना तो बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा सेटअप जो मैंने दिया सुपर ट्रेंड का, और आज मैं ये तीसरा सेटअप दे रहा हूं आपको जिसमें हमने ADX की बात करी है, और ये सब की सब मोमेंटम सेटअप है, ये वो सेटअप नहीं है जो टाइम पास कर रहे हैं, ये मोमेंटम सेटअप है। आप मैं बोल रहा हूं, आपने मान लो सेटअप देखना जब भी चालू किया, आप मान लो आपका दिन खराब हुआ तो आपको 2-3 दिन लॉस लगेंगे, बट अगर आप 20, 25, 30 डेज तक
ये प्रॉपरली फॉलो करते हो और उसके बाद आप मुझे बताना सर 30 डेज का रिजल्ट ये और मैंने इतना कमाया इतना लॉस करा, मैं बता सकता हूँ आपको, गारंटी दे सकता हूँ कि आप लॉस नहीं करोगे, आप कमा के ही निकलोगे, प्रोवाइडेड आपने सब कुछ प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया। ऐसा नहीं है एक दिन फॉलो किया, दो दिन नहीं किया, तीन दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कौन से दिन में वो सेटअप मोमेंटम दे देगा, कौन से दिन में नहीं दे पाएगा। ओके, मान लो आपने दो दिन फॉलो किया, मान लो आपने कल और परसों फॉलो किया, साइडवेज मार्केट हो गया, आपको लॉस लग गया, ठीक है। मंडे को आपने सोचा, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को आपने सोचा यार सेटअप खराब है, वर्क नहीं करता, मंडे को आ गया 150 पॉइंट का ट्रेंडिंग मूव, लो अब क्या कर लोगे, ठीक है, आपके लिए तो खराब हो गया था, लेकिन वो 150 पॉइंट तो आपने छोड़ दिया ना। तो बात वही करना है, अगर किसी सेटअप पे भरोसा रखो तो उस पर 30 दिन तक एटलीस्ट वर्क करते जाओ, ठीक है, और कम लॉट में ट्रेड करो, एक लॉट अगर स्टार्ट कर रहे हो ना बैक टेस्ट करने के लिए, एक लॉट से टेस्ट करो, बिलीव मी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग, बेयर कॉल या बुल पुट, उनके लिए तो और मजा जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन बाइंग के लिए तो है ही, फिर तो जन्नत है उसके लिए। ओके, सो आई होप मजा आया होगा, और ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं जो हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं, जैसे उसमें एक सेटअप ऐसा भी है जहां पर हम डबल टॉप डबल बॉटम पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मुझे बोलते बोलते याद आया, जब भी आप टॉप फिशिंग या बॉटम फिशिंग कर रहे होगे, ये मोमेंटम सेटअप काम नहीं करेगा। जब भी आप टॉप फिशिंग या बॉटम फिशिंग कर रहे होगे, ये मोमेंटम सेटअप काम नहीं करेगा। सेम मैंने बोला था, टॉप फिशिंग और बॉटम फिशिंग में आपका सुपर ट्रेंड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, आपको लग रहा है यार ऊपर जा चुका, अब नीचे आएगा। तो अगर आप टॉप फिशिंग या बॉटम फिशिंग कर रहे हो, उस केस में ना सुपर ट्रेंड वाला काम करेगा, ना ADX DMI वाला काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो तो यह सेटअप आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इस सेटअप आपको नहीं देखना। फिर क्या देखना है, दूसरी बात है, ठीक है, वो अलग बात है, उसमें क्या देखना है, ठीक है। सो आई होप वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन मेरे वीडियो हो जाते लंबे क्योंकि आपको समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो का लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आएगा इससे आप पैसा बना पाओगे, ठीक है। और बाकी ट्रेडर्स कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मैंने बताया ना अनलिमिटेड लर्निंग है, और मैं आपसे बोलता हूँ इस दिवाली जो दिवाली फेस्टिवल है, आप खुद से एक प्रॉमिस करो कि मैं अपना ज्यादातर टाइम लर्निंग में दूंगा। पैसा तो आएगा, बाय डिफॉल्ट आएगा वो, ठीक है, बट मैं जो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो सीखने में इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, जो भी मुझे लर्निंग मिलेगी मैं उस पर इन्वेस्ट करूंगा, कहीं से भी लर्निंग मिले। तो पहले लर्निंग में इन्वेस्ट करो, फिर ये जो पैसा है ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ओके, आप भी क्या सोचते हो, मुझे पैसा कमाना है। अब जैसे क्या होगा, ये सेटअप होगा, ये सेटअप देखने के बाद आप क्या सोचोगे, आपके माइंड में क्या आएगा, अरे कल से तो पैसा ही पैसा होगा, पैसा छापेंगे। एक दो दिन वर्क नहीं किया, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका पहला प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, आज ये सेटअप आया, ठीक है, हमें ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, हम तो एक बार मार्केट में देखेंगे, ठीक है। आप 30 दिन तक एक लॉट से इसको टेस्ट करो, 30 दिन तक एक लॉट से टेस्ट करो, फिर देखना आप रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। आपको गलतियां भी होंगी, आप खुद देखना, अच्छा आज मैंने ये गलती कर दी, आज मैं जबरदस्ती ट्रेड में कूद गया, सेटअप नहीं था, मुझे लगा आज आएगा सेटअप और मैंने एंट्री ले ली, जबकि हुआ क्या, सेटअप आया ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम पहले से ही सोचने लगता है हमारा दिमाग कि सेटअप आ जाएगा, जबकि दिखता नहीं है चार्ट पे, बट आ जाएगा, और उस एंटीसिपेशन से हम ट्रेड ले लेते हैं, और उससे होता क्या है, अगेंस्ट में जाता है, लॉस होता है। तो ये धीरे धीरे आपकी जो गलतियां आपको समझ में आएगी। ओके, सो ठीक है, इतना ही है, और ये सेटअप पे आप वर्क कर सकते हो, और मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए, ठीक है, और जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए आपको। ओके, और वैल्यू फॉर मनी है, और लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक्टिव रहते हैं, BTSC स्टॉक्स बहुत मजा आता है, BTSC स्टॉक्स में। ओके, ये 15 मिनट का ट्रेड रहता है जहां पर हमें 1 से 1.5% इजिली मिलता है 15 मिनट में, मान लो 3.10 से 3.25 के आसपास, बस ये टाइम फ्रेम का ट्रेड रहता है जहां पे हमें इजिली 1.5% 2% और कभी कभी कॉस्ट पे भी रहते हैं, इजी ट्रेड मिलता है। इतनी सारी चीजें मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, एक्चुअल में पैसा बनता है, बट चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो जो भी इंक्वायरी है आपकी ट्रेडर्स कम्युनिटी का, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8109149175 पर। ओके, और
वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि सभी को उसको बेनिफिट मिल पाए। और इस सेटअप से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इसी यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड कर रहे हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे, कल देखते हैं मार्केट्स में क्या होता है और देखते हैं। ओके, बाय बाय।